हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। में तो यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल जा रही है तो मुझे बाय कर रही है। एक्चुअली क्या हुआ, डेली मैं रोज़ जाती हूँ इसको छोड़ने के लिए, बट आज क्या हुआ, वेदांत मेरा सोया है बेटा, क्योंकि वो कल रात को 12 बजे सोया था, क्योंकि वो शाम को सो लिया था 6-7 बजे, तो रात को सो ही नहीं रहा था, इसलिए लेट मतलब सोया है, नहीं तो रोज़ हम दोनों साथ जाते हैं छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे गुस्सा आ रही, मम्मा चलो नहीं जा रही हो, तब हम समझाएं किसी तरह से, तो चलो किस तरह से बाय वगैरह की है, पर गुस्से में उसका मुंह फुला है। तो उसके पापा यहाँ पे स्कूटी निकाल रहे हैं, ये भी एक ड्यूटी ही होती है पेरेंट्स के लिए, मतलब बच्चों के लिए करना। जैसे मेरा है टिफ़िन बनाना सुबह उठ के, मतलब सब बुक वगैरह चेक करके रेडी करने का, मेरा भेजने का है, और पापा लोग जितने हैं मतलब मम्मिया को भेजना है सुबह से उठा के, पापा लोग को बेचारे स्कूल छोड़ना है, चाहे जैसे भी हो, मन हो या ना हो, पर जाना है रोज डेली का करना। तो यहाँ मैं टिफिन में मतलब दिखा रही हूँ क्या बनाई थी, तो ये गोभी का पराठा मैं बनाई थी, तो आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो है गोभी है, अभी तो फिलहाल गोभी बहुत ही सस्ती हो गई, नहीं तो इतने महंगे थे कि क्या ही बताएं। आप सस्ते हो गए तो इनका तो प्रयोग अच्छे से करना ही पड़ेगा। हमने गोभी को काट के और यहाँ पे ये देखिए धुल लिया है, नमक पानी से मैं धुल ली थी क्योंकि कहीं कीड़ा वगैरह ना हो, अगर विनेगर हो तो उसको भी डाल के धुई। तो बस यहाँ पे उसको टुकड़े करके, अगर आपके पास घिसने वाला है बड़ा वाला तो उसको करके मैं मिक्सी जार में चलाया। अब थोड़ा थोड़ा कर चलाना क्योंकि जब मैं इसको मिक्सी घुमा रही थी तो अच्छे से नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा 3 बार में करके की थी। अब मैं फिर से यहाँ पे नमक डाल के इसको रख दूँगी। पहले बार मैं नमक पानी में धुल दी थी, गुनगुने पानी था, और यहाँ पे अभी मैं फिर से नमक डाल के रखी हूँ क्योंकि उसका जो पानी होता है ना पूरा अच्छे से निकल जाए। तो बस आज गोभी का मतलब पराठा बनाने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और मूली का पराठा, सब चीज़ का, ठंड में तो पराठे ही रहते हैं। ये है अदरक को घिस ली हूँ और हरी मिर्च काट ली हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली। ये सरसों का तेल है, इसमें मैं डाल रही हूँ, जीरा डालूँगी और उसके बाद मैं अदरक और मिर्च को डाल दूँगी। फिर मैं गोभी डालूँगी, जो भी मैंने घिस के गोभी रखा है, उसके बाद फिर जो मसाले होते हैं वो सब चीज़ें डालूंगी। तो किसको किसको पसंद है बताइएगा। मेरे यहाँ तो मैं जैसे बना दी, मेरी बेटी को भी फर्स्ट टाइम खाई ना, उसको बहुत टेस्टी लगा, जैसे उसको मैं थोड़ा सा खाने के लिए दी थी तो बोली मम्मा बहुत टेस्टी है, मुझे अच्छे से रख देना। बोले ठीक है, बोली घर के लिए भी रखना। तो यहाँ पर मैंने जैसे पानी डाल के, जब नमक डाल के रखी थी तो हो गया निचोड़ के, अब इसको मतलब अब इसमें भून लूँगी अच्छे से। तो इसमें सब मसाले में डालूंगी, जिसमें पाउडर वाले मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला डालती हूँ, जीरा पाउडर डालती हूँ और अमचूर डालूंगी। ये सब चीज़ें डाल के इस मसाले को रेडी कर लूँ, रेडी करिए दाल मुझे परेशान कर रहा है। तो अभी वही सब मसाले में डालें जैसा कि मैं बताई हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, जीरा पाउडर, और फिर उसके बाद में डालती हूँ इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर जरूर डालें क्योंकि खट्टा बहुत अच्छा लगता है। आलू का भी मैं जब बनाती हूँ तो अमचूर पाउडर ज़रूर डालती हूँ। तो ये है आज का मेरा नाश्ता, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी नमक डाल के हमने इसको रखा था ना, तो इसी हिसाब से नमक डालिए, नहीं नमक भूख दीजिए। तो इसके बाद इसमें मेरा ये देखिए भून के तैयार हो गया, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, लेके ठंडा कर रही हूँ थोड़ा सा लेके, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है टिफिन बनाने के लिए है। तो बन गया मेरा आज का नाश्ता, लंच जो है मेरी बेटी, मतलब ब्रेकफास्ट आज का टिफिन। तो बस चलिए आप लोग भी बनाइए ज़रूर ठंड में, और मैं भी अब जा रही हूँ खाने के लिए। ये है चटनी, टमाटर की हरी वाली चटनी है और नाश्ता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ कि ये बच्चों का कपड़ा आ गया है सब, तो अभी मैं इसकी पैकिंग करने जा रही थी, तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि घर पे शादी है, निकलना है मुझे, पापा जी आने वाले हैं मेरे, ससुर जी, तो बस गांव जाना है क्योंकि देवर जी की मेरी शादी है। तो देखिए वेदांत का कपड़ा है ये। तो बस यही है आज का मेरा वीडियो, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा मुझे।
ऑनलाइन कुर्ता मंगाए थे अपने बेटे के लिए, तो ये डिफेक्ट माल निकला। मतलब देखिए यहाँ पे कट था और इसका मतलब बटन भी नहीं था, तो हमको ये रिटर्न करना पड़ा है। तो पर उसको पहनाए थे बहुत अच्छा लग रहा था, वो देने नहीं दे रहा था, वो पैकिंग करने ही नहीं दे रहा था वेदान। नहीं मम्मा नहीं, मतलब उसको शायद अच्छा लगा, वो जल्दी बच्चे कपड़े पहनते नहीं, पर वो बहुत खुशी खुशी शायद कलर की वजह से जो भी। पता इसमें तीन चीज़ें मेरे साथ झूल हुई है, मतलब कि एक कलर में दूसरा कलर मंगाई थी स्काई ब्लू में, और दूसरा ये बटन नहीं था ऊपर, और तीसरा ये फटा निकला, तो इसके लिए मुझे रिटर्न करना पड़ रहा है। तो हो गया, अब टाइम नहीं है मेरे पास मंगाने का, क्योंकि मुझे गांव निकलना है। तो चलिए कैसा लग रहा है बताइएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।